ना तो तू उससे मिल सकता है और ना गल कर सकता है। जब तक उसका निकाह नहीं हो जाता, रुखसत नहीं हो जाती ना, तब तक मैंने तेरी ये बेड़िया नहीं खोलनी। आई गल समझ में? कॉल तो ताई जी। उदय, कितनी चोट लगी है? उसको पकड़ो अपने वहां से। उदय, तू ठीक है ना? हाँ? पानी। उदय पानी पी। उदय, वशमा नल मिल रहा है। वशमा अमृत, वशमा कितने? वो अपने निकाह के लिए तैयार हो रही है। उससे बात करने का मौका नहीं मिला है मैंने। जो भी अमृत, वो मजबूर हो रही है, लेकिन उन्हें कमजोर नहीं होना। चल एक बार मैंने मिला दे, सब ठीक हो जाएगा। चल अमृत, चल खोल, मैंने वशमा को लेके चल अमृत। उदय, आराम से, चलो आराम से। यहाँ का तो हो गया, पीछे भी कर दो। जी साहब। अबरार भाईजान, वो वहां पे लड़के वाले जहाँ गाड़ी लगाने वाले हैं, वहां पे कुछ रेडी वाले अपना सामान फैला रहे हैं। मैं कब से उनको बोल रहा हूँ पर मान ही नहीं रहे। आप चल के देखिए ना। ऐसे कैसे नहीं मान रहे? चल मेरे साथ, देख लेता हूँ सबको। जी उदय, चल दिया। रुक, चलो आ जाओ, चलो तुम आगे चलो, चलो संभाल के। और मैं तो मर जाएंगे, लेकिन साड़ी अमरू, उसे लोगों ने मरने नहीं देना है। जब 100-200 लोग एक के बाद एक अमरू की इज्जत लूटेंगे ना, तो कम से कम हम इस दुनिया में नहीं होंगे देखने के लिए। तुम दोनों के दिल जुड़ जाएंगे, लेकिन दो मजहबों के बीच में ना दुश्मनी शुरू हो जानी, और उसका नतीजा तुम दोनों के परिवार को भुगतना है। क्यों आया तू यहां? तुझे पता है ना आज मेरा निकाह है।
यही तो जानने आया हूँ वशमा कि तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है वशमा? तू प्यार मुझसे करती है, निकाह फारूक से कर रही है। वशमा इतनी जल्दी हिम्मत मत हार, हम सब कुछ संभाल लेंगे ना, तो इतनी जल्दी हिम्मत मत हार। हार नहीं, ये तो मेरी जीत है। कल तक मैं भी यही सोच रही थी कि उदय मेरा सब कुछ है, सब कुछ है। तो मेरा जिद थी मेरी कि हम शादी कर लेंगे, भाग जाएंगे, कहीं भी कैसे भी रह लेंगे। पर अच्छा हुआ हम पकड़े गए। अम्मी ने समझाया मुझे घर से दूर होके दाने दाने को तरसना क्या होता है, गरीबी क्या होती है। और कहां रहते हम? सड़कों पे। कैसे गुजारा करते? भीख मांग के या मजदूरी करके? जब ठंडे दिमाग से सोचा ना, तो अम्मी की हर एक बात समझ में आई मुझे। ये जो प्यार का भूत है ना, सारा उतर गया मेरे सर से। दो चार दिन के प्यार के लिए उम्र भर का आराम दांव पे लगाना कोई समझदारी नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी बेवकूफी होती है उदय, सबसे बड़ी बेवकूफी। तो बस मैंने भी आईने के सामने खड़े होके खुद ही से कह दिया, वशमा तो इस दुनिया की सबसे समझदार लड़की है। तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है तू? वशमा तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना, तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना वशमा? तू बोल, किसी ने कुछ कहा तुझे? तू कुछ छुपा रही है ना वशमा? ओए नहीं करती मैं तुझसे प्यार। वशमा अमृत, अक्कल आ गई है मुझ में, समझ में आ गया कि प्यार सिर्फ और सिर्फ टिकट खरीद के फिल्मों में देखने वाली ये चीज है। असल जिंदगी में चाहिए होती है दौलत, ऐशो आराम, सुकून। और प्यार के लिए मैं ये सब से समझौता नहीं कर सकती। निकल जा यहां से। अगर अबरार भाईजान ने देख लिया ना, तो तेरी टांगे तोड़ देंगे, फिर तेरा वो हॉकी वॉकी खेलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिश्ता रहा है तेरा मेरा, उसी की कदर करते हुए सलाह दे रही हूं, निकल जा यहां से। ओए मेरी बात सुन, मेरे को नहीं मालूम तू ये क्या कह रही है, चल मेरे साथ। ओए जोड़ा गंदा कर रहा है तू मेरा। निकल जा यहां से, वरना मैं अबरार भाईजान को बुला लूंगी। अबरार भाई। वशमा वशमा वशमा, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं उदय को लेकर जाता हूं, ठीक है? उदय चलो। जय चलो यहां से।
खा मेरी कसम। और बोल कि अभी तूने उदयवीर जी से जो कुछ भी कहा वो सच था। वशमा, क्यों क्यों कर रही है ये सब? ऐसे तो हमेशा के लिए दूर हो जाना है तुम दोनों ने। बर्दाश्त कर पाएगी तू ये? पर पास आने की जिद में जो होगा ना, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं ये नहीं चाहती मेरे किसी भी कदम से ऐसी आग भड़क जाए जिसमें दोनों घर जल के राख हो जाए। मैं ये सोचती थी कि प्यार में जी नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे, पर मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर हम मर गए तो हमारे साथ सब लोग मर जाएंगे। हम भाग गए तो आग लग जाएगी दोनों घरों में, दिलों में, दोस्ती में, और उस आग में जल जाएगी मेरी सहेली। मेरे उदय का परिवार, अबरार भाईजान तो उनकी बहन के प्यार को नहीं समझेंगे, बल्कि वो उसे इज्जत का सवाल बनाकर उदय की बहन के साथ बदला लेंगे। मुझे सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचना है, अमृत तेरे बारे में भी सोचना है। हर उस औरत के बारे में सोचना है जिसकी आबरू को मर्द किसी ना किसी तरीके से निशाना बनाते। दोनों परिवारों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है तू वशमा। और उदयवीर जी पता नहीं तेरे बारे में क्या क्या सोच कर चले गए। पता है अमृत, एक वक्त था जब वशमा को गुरूर था कि उदय उसके बिना जी नहीं पाएगा। पर आज उसी बात का अफसोस हो रहा है। कसम खा नहीं पाई, पर तू मेरी कसम खा, खा मेरी कसम कि तू उदय को कभी सच नहीं बताएगी। समझने दे उसे मुझे गलत, वो मुझे जितना गलत समझेगा उसे उतनी ही आसानी होगी मुझे भूलने में, मुझसे दूर होने में। संभाल के अंदर आओ। उदय संभाल के। उदय मैं समझ सकता कि तुम पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, पर कम से कम तुमने कोशिश तो की, और अगर तुम्हारी तकदीर में वशमा का प्यार लिखा है तो एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और तुम्हें पता है मैं
कौन? जी रणधीर। लाला जी घर छोड़ के जा रहा हूं मैं जी। वो सामान भी बांध लिया मैंने पूरा अपना, बस आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया था। चलता हूं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। राजरानी, उस दिन जल्दबाजी में गलत फैसला हो गया, दिल पे पत्थर रख लेना चाहिए था और इसके माँ पियो को वापस भेज देना चाहिए था, पर अपनी अमरू का रोका ऐसे बंदे के साथ नहीं करना चाहिए था। जी, जी, जी। पहले आप बोलो आप माफ कर दोगे, फिर ही मैं सच बोलूंगी, क्योंकि अगर मैंने सच नहीं बोला ना तो पेट में ना बड़ी गुड़गुड़ होती है, फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। जी वो क्या है ना, जेठानी जी ना मैंने रामचरितमानस पढ़ा रही थी जी, तब उन्होंने कहा था कि ना गलत काम करने से ना जी पाप चढ़ जाता है, और अगर अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर डाले ना तो भी पाप चढ़ता है जी, और अगर मेरे पति जी पर पाप चढ़ गया तो वो नरक चले जाएंगे, और फिर मैं जो उनको स्वर्ग जाने के लिए जो व्रत रख रही हूँ उसका क्या, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना जेठ जी। राजरानी है जी, इसको फड़ के खड़ा कर और इसको बिठा के शांति से पूछ के कह क्या रही है। उठ, नहीं पता गल की है। नहीं जी नहीं, पहले आप वचन दो कि आप माफ कर दोगे। ओए बात सुनने से पहले ही माफ कर दें तेरे को, पहले बता तो सही बात क्या है, बोल। वो जो उससे नाचने वाली आई थी ना जी, उसके कोठे पे ना क्या हुआ था? कोठे पे मुझे कोठे पे ना पति जी गए थे रंधी दमाद जी ने, क्या वो जी दमाद जी तो बाद में पति जी को वहां से वापस लाने गए थे, वो बहुत चंगे है जी, पति जी को आपके डांट से बचाने के लिए उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया था। रुक जाओ, भीड़ दिखा के जा रहे हो? हाले शर्त पूरी होने में 25 दिन बाकी है, मैंने वादा किया था कि 1 महीने का मौका दूंगा तो दूंगा, वादा खिलाफी की आदत नहीं है मेरी।
क्या आपने लाला जी को? वो क्या है ना दामाद जी, गलत काम करके ना रात में नींद नहीं आती। अब आप पर झूठा इल्जाम लगा देखकर ना मैं चुप भी हो जाती, पति जी को ना जेठी के डांट से भी बचा लेती। पर क्या इससे पति जी की गलतियां कम हो जाती? नहीं ना, मैं जेठी से छुपा भी लेती ये बात, पर क्या रब जी से छुपा पाती? वो तो सब देख रहे हैं, वो तो सब जानते हैं ना। बस यही सब सोच कर ना मैंने जाकर जेठी को सब सच बता दिया जी। सच कहूं, आप जैसा ना मैंने आज तक दुनिया में देखा ही नहीं। जीते रहो। अब ये बंदा इस घर से जा नहीं रहा है, बल्कि रुक रहा है, और वो भी आपके बाबूजी के हुक्म से। ये क्या, अब इस बात पे एक छोटी सी स्माइल तो बनती है? मुस्कुरा तो मैं दूंगी, पर अपनी सहेली और उदयवीर जी का दुख देखकर जरा भी खुश नहीं हो पाना है मैंने। अमृत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरमा वशमा बेग बिनत इकबाल बेग, आपका निकाह फारूक अंसारी वल्द वसीम अंसारी से बाबत 10,000 सिक्के राजुल वक्त महरे मुअज्जल करार पाया गया है। क्या आपको कबूल है? वे चलिए, वे जिंदगी में बड़े चल्ले देखे, तेरे वर्गी चल्ली नहीं देखी। यही चाहती है ना तू कि मेरा इंडिया वाली हॉकी टीम में सिलेक्शन हो जाए? समझ ले, हो गया। तेरे ना आने से पहले ही ना तेरी खुशबू पहुंच जाती है मेरे तक। कहीं और तो चोट नहीं लगी ना तुझे? ओ, लगी है ना। कहाँ लगी है? ओ यहाँ। ओ मैनू कोई भी और रिश्ता नहीं चाहिए वशमा, मैनू सिर्फ तू चाहिए। ओ मैनू सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ सिर्फ तू चाहिए वशमा। क्या आपको कबूल है? जाएंगे लेकिन साड़ी अमरू उसे लोगों ने मरने नहीं देना है। जब 100-200 लोग एक के बाद एक अमरू की इज्जत लूटेंगे ना, तो कम से कम हम इस दुनिया में नहीं होंगे देखने के लिए। उदय को मारूंगा नहीं, उसकी दोनों टांगे काटकर उसकी हॉकी को उसी की बैसाखी बना दूंगा। तू और मैं तो मर जाएंगे। साड़ी अमरू उसे लोगों ने मरने नहीं देना। जब 100-200 लोग एक के बाद एक अमरू की इज्जत लूटेंगे ना, तुम दोनों के दिल जुड़ जाएंगे, लेकिन दो मजहबों के बीच में ना दुश्मनी शुरू हो जानी और उसका नतीजा तुम दोनों के परिवार को भुगतना है। क्या आपको कबूल है? तुम्हें ये उदय सहनी एक मामूली सा लड़का कबूल है? कबूल है जी, कबूल है।
मैनू भी कबूल। जिंदगी में चाहिए होती है दौलत, ऐशो आराम, सुकून, और प्यार के लिए मैं ये सब समझौता नहीं कर सकती। निकल जा यहां से। का ख्याल रखना। उदय कहाँ था तू भाई? मैं तुझे ही तो ढूंढ रहा था। अरे कम से कम निकाह के वक्त तुझे होना ही चाहिए था। Bye.
काला भी खत्म नहीं हुई है वशमा। मेरा नाम उदय किशोर सानी है। इतनी आसानी नाल उदय किशोर सानी हार नहीं मानता। और वशमा के साथ जो भी हुआ उसने बड़ा मायूस कर दिया है आपको, पर मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे आपका प्यार पे भरोसा बिल्कुल कम नहीं हुआ होगा। आज जो हुआ उससे प्यार पर मेरा भरोसा और बढ़ गया है। बस अब मैं चाहती हूं कि उदय वीर जी किसी ना किसी तरह अपने आप को संभाल ले। मैं भी यही दुआ करता हूं अमृत, और आप ना आप उदय का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वो क्या है ना कि मुझे सुबह सुबह जल्दी किसी काम के लिए जाना है। कहाँ? जी कुछ काम अधूरे रह गए, बस उन्हें पूरा करना है। प्राजी की कर रहे हो तुसी? वही जो मैंने कल राती कर लेना चाहिए था सी। वशमा दा निकाह हो रहा सी, इस करके मैं चुप रहा। मैं क्या जी, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। रात भर जाग के यही कर रहा सी, और सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये मेरा भरा कहलाने के लायक नहीं है। होया की है कोई दसेगा मैनू? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तू जोरा भाई के कोठे पे गया था। जहां जाना जाओ, जो करना करो, पर अपनी करतूतों के छिट्टे मेरी हवेली से ना पा। ठीक है प्राजी, और एक कोठे पे जाने की इतनी बड़ी सजा, अपने छोटे भरा को घर से बाहर निकाल रहे हो, और निकालने से पहले ये तक नहीं पूछा कि मैं कोठे पे गया क्यों था। मैं ही बताता हूं, इस औरत की वजह से। जोहरा से कोई एक बार मिल ले और दोबारा मिल लेना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए हुजूर। मैं आपसे मिलने नहीं, मैं ये देखने आया हूं कि कोठे पे लोगों का दिल बहलाने वाली जोहरा भाई का आखिर असली रंग क्या है। सुना था
दिल टूटने के बाद जब लोग यहाँ आते हैं तो आप उन्हें अपनी पनाह में लेके सुकून देती हैं। पर आज पता चला कि आपका असली काम टूटे दिलों को जोड़ना नहीं है बल्कि बसे घरों को तोड़ना है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं हुजूर। जोरा भाई, इन बदनाम गलियों में काफी बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं और वो सिर्फ कीमत आपसे मिलने वाले सुकून की नहीं बल्कि इस बात की भी देते हैं कि जब वो यहां से जाएं तो उनका राज एक कोठे की सीढ़ियां उतर के उनके पीछे ना आए। पर जब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि आप शरीफों के मोहल्ले की सजी महफिलों में आके या आने वाले अमीरों के नाम से पर्दा उठाने का शौक रखती हैं तो फिर कोई भी अमीर अपने दामन पे दाग लगने के डर से यहां दोबारा कभी नहीं आएगा। लोग आप पे भरोसा करना छोड़ देंगे और आपका ये कोठा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको ऐसा करके क्या मिल जाएगा हुजूर? आपको क्या मिला भरी महफिल में मेरा नाम उछाल के, मेरे घर वालों के सामने मुझे बदनाम करके? चलिए अच्छा है आपको इस नाचीज का नाम तो याद है, वरना आप जैसे लोग हमारे यहाँ से जाने के बाद शरीफों की महफिल में हमें पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। जोरा भाई, तवाइफ के घुंघरू जितनी आवाज करते हैं उसकी जुबान को उतना ही खामोश रहना चाहिए। वैसे सच कहूं, आज से पहले मेरे दिल में शाही मोहल्ले में काम करने वाली हर औरत के लिए बड़ी इज्जत थी। मैंने अपनी सोच में कभी उन्हें तवायफ नहीं बल्कि एक कलाकार का दर्जा दिया है। वो कलाकार जो घुंघरू पहन के लोगों के दिलों को बहलाना जानती है, वो हकीम जिसके पास हर मर्ज हर दर्द की दवा है। लेकिन अफसोस, आप तो एक मामूली सी धंधा करने वाली निकली जोरा भाई, एक सौदेबाज जिसने चंद पैसों के लिए यहां आने वाले लोगों के विश्वास को ही बेच दिया। जब आप एक ऐसे इंसान को बदनाम करने से नहीं चुकी जो यहां आपसे मिलने नहीं बल्कि दो भोली भाली लड़कियों की मदद करने आया था, तो आप उन लोगों को क्या बचाएंगी जो हर रोज आपका सहारा ढूंढते हुए यहां की सीढ़ियां चढ़ के आपके पास आते हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए कि मेरा ईमान डगमगा गया और मेरे मुंह से झूठ निकल गया। किसने पैसे दिए थे आपको? जोरा भाई, अगर आप खामोश रहेंगी तो मैं यहां आने वाले हर इंसान को इस किस्से के बारे में बताऊंगा। नहीं नहीं, मुझे नोटों की गड्डी खुद दूल्हे मियां ने पकड़ाई थी। जब मुझे के लिए तैयार हो रही थी वो आए थे मेरे पास और आपके खिलाफ झूठ बोलने के लिए राजी कर लिया। और हाँ, उनके साथ एक औरत भी थी, मैंने उनसे बात करते सुना था। कह रही थी कि आज वो बहुत खुश है, उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आप होलिया बता सकती हैं उस औरत का? उसने औरों जैसे सलवार कमीज ही पहना था, पर हाँ उसके बात करने का अंदाज बहुत निराला था। बात बात पर रब 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 करने की आदत थी उसे। रब रब रब। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।